तो ये अदराइजेशन की जो प्रक्रिया शुरू हुई, तो इस वजह से देखिए कितना खतरनाक खेल हुआ। और इसके तीन ठिकाने हुए मुख्य रूप से शुरू में चुने गए, एक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, एक JNU और एक नया नया जादवपुर यूनिवर्सिटी, जिसमें दिलीप घोष साहब कहते हैं कि हम सर्जिकल स्ट्राइक कर देंगे बालाकोट जैसे। कमाल है भाई साहब, ये बम बारूद से ध्वस्त करने की सारी कल्पना यूनिवर्सिटी को लेकर ही है, और वो बोल गए और हमारे समाज ने स्वीकार किया, क्योंकि उसके भीतर की लोकतांत्रिकता जो है वो इस तरह से खत्म कर दी गई इस मीडिया के जरिए, उसको लगता है कि हम बोलेंगे तो बहुत बोलने में खतरा है। फिर एक दिन आप देखिए किस किस तरह के खेल हो रहे थे। एक ABP न्यूज चैनल है, उस पर अनाउंस होता है कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बहुत बड़ा कोई फैसला करने वाले हैं, और स्क्रीन पर लिखा हुआ आता हरे रंग में फैजाबाद, फिर वो चेंज करता है भगवा रंग में अयोध्या। आप अयोध्या को भगवा ही लिख लो, लेकिन हरा से भगवा चेंज कर रहे हो तो आप खेल कर रहे हो। आप इस रंगों के जरिए आप अनन्य में से अन्य पैदा कर रहे हैं, और आप ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि उसका एंटाइटलमेंट नहीं है। बोलेगा तो NRC रजिस्टर का डर थमा देंगे उसको कि जाओ तुम जिंदगी भर रजिस्टर बनवाते रहो। हमारे ही अपने यार दोस्त हैं, पड़ोसी हैं, कैसा लगेगा उनको रजिस्टर की लाइन में खड़ा देखकर, जिनको आप तीन तीन पीढ़ियों से देखते आए, जिनके साथ स्कूलों में आप पढ़े हैं, कुछ शर्म बची होगी तो नहीं अच्छा लगेगा। लेकिन इस NRC का ऐलान ऐसा हो रहा है कि जैसे भारत को मतलब अब विश्व गुरु बनने के लिए यही एक आखिरी दरवाजा बचा हुआ है, यही काम सबसे पहले कर लो, रोज ऐलान हो रहा है। तो एक तरह से जो चैनल है, कभी भी भारत का जो मीडिया है इस तरह से चोरी छुपे रहा है। सांप्रदायिकता 92 के समय में अरविंद मोहन जी हैं यहां पर, वो लोग ज्यादा जानते हैं कि हिंदी के यूपी के अखबार टर्न ले रहे थे सांप्रदायिकता की तरफ, और अंग्रेजी में भी दबे छुपे था, लेकिन इस तरह से ऐलानिया तौर पर भारत का मीडिया सांप्रदायिक नहीं था। जब मीडिया ऐलानिया तौर पर सांप्रदायिक हो जाए तो वो लोकतांत्रिक हो ही नहीं सकता है। आपको सबसे पहले अगर भारत के लोकतंत्र को खतरे में कहीं देखना है तो कहीं और नहीं, टेलीविजन चैनल और अखबारों के पन्ने में नजर आ जाता है कि राहुल गांधी विपक्ष नेता जब कश्मीर जाते हैं और जब रिटर्न करते हैं तो वो खबर इंडियन एक्सप्रेस के पहले पन्ने पर भी नहीं थी। इतना डर है भाई, इतने डरे हुए लोगों के बीच में कोई च्यवनप्राश का बिजनेस कैसे कर ले रहा है, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। एंकरों की भाषा, आप उस भाषा को कभी एनालिसिस कीजिए, ये पूरा एंटी वीमेन लैंग्वेज है, पैट्रियार्की का लैंग्वेज है, जो चीख कर बोल रहा होता है। नेशन वॉन्ट्स टू नो करते करते आए थे, अब आगे कहते हैं गवर्नमेंट वॉन्ट्स टू नो, भाई कमाल है। तो वो भाषा को देखिए और उसके व्यवहार को देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये सारे डेमोक्रेटिक नॉर्म, इसलिए कहता हूं भारत का जो लोकतंत्र है वो अर्जित लोकतंत्र है। हम सब ने इसको कई मोर्चे पर अर्जित किया है, दलितों ने अपने लिए एक अलग मोर्चे पर इसे अर्जित किया, अल्पसंख्यकों ने अर्जित किया, सबने अपनी अपनी लड़ाइयां लड़कर इस लोकतंत्र में कुछ ना कुछ अर्जित किया है, और उस सारे अर्जित लोकतंत्र को खत्म करने के लिए ये इनकी भाषा बदली है, जिस भाषा में हिंसा है देह भाषा में भी हिंसा है। मैंने खराब से खराब एंकर देखा था, तलवार के साथ एंकर नहीं देखा था, तलवार लेकर रिपोर्टर और एंकर फोटो खिंचा रहे हैं इस भारत में। और जो सूचना प्रसारण मंत्री हैं उनको नजर नहीं आया, उनको लाइसेंस की बात नजर नहीं आई। ये जो ब्रॉडकास्टिंग एसोसिएशन का NBS है उसको इसमें गलत नजर नहीं आया कि एक न्यूज चैनल का एडिटर जो है वो तलवार लेकर डिस्प्ले कर रहा है, तो ये चुप्पी क्या कह रही है? या तो वो दौर आ गया जिसका नाम नहीं लेना चाहता हूं, या उसके लाने की तैयारी हो रही है, आधी मील वो क्रॉस कर चुके हैं। तो इसलिए आप देखिए कि किस तरह से ये एंकर लोग हरकत कर रहे हैं, घुड़सवार बन के आ जाएंगे JNU के बाहर, कहेंगे आ गए हैं हम तलवार लेकर, और पगड़ी पहन लेंगे, कहेंगे कि हम छठी सदी को JNU के हमले हमला करके जिंदा करने वाले हैं। ऐसे ही वो हिस्ट्री को रिक्रिएट करते रहते हैं। तो जुबान सांप्रदायिक और पितृसत्तात्मक हो गई है, पेट्रियार्की हो गई है, एक क्राइसिस तो होता है। जैसे आप लोग यहां जमा हैं तो उनके लिए भी बहुत सारे लोग जमा होते हैं, लोग चाहिए ना दिखाने के लिए, TRP चाहिए, ये सब चाहिए।
तो उनके लिए भी आईटी सेल एक सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड करता है, एक तरह का एक दर्शक सिस्टम प्रोवाइड करता है जो समर्थकों को कहता है कि आप यही देखिए ये मत देखिए। तो उनको भी एक सोशल ईगो इकोसिस्टम प्रोवाइड कराया गया उन एंकरों का कि तुम बाहुबली हो लेकिन डरने की बात नहीं है, हमारे देश में बाहुबलियों को इज्जत मिलती है। वो चुन सकते हैं कि इस टेलीविजन और अखबारों के जरिए आवाज उठाने वालों को जो सामान्य सवाल है, यही सवाल है ना कि आप कौन से होटल में नहीं रुके थे, कहां पैसा नहीं था, किस एयरपोर्ट पे आपको रात सोनी पड़ गई थी, तो ये सब सवाल तो कोई खतरा में नहीं है, इससे तो उनके 20 साल राज करने के सपने पर कोई असर नहीं पड़ता, ये सब मासूम से सवाल है। लेकिन आप पूछ दीजिए तो कहेगा आप एंटी मोदी हैं, आप एंटी हिंदू हैं, आप एंटी इंडिया हैं। तो इस तरह से चीजें आपको बताई जाती हैं। तो एक तरह से आप देखिए कि पहले ये जो मीडिया था अपने आप को फोर्थ स्टेट कहता था, लेकिन दोस्तों बताते हुए बहुत दुख हो रहा है कि ये अब फोर्थ स्टेट का पार्ट नहीं है, ये डीप स्टेट का पार्ट है। अगर ये डीप स्टेट का पार्ट नहीं होता तो शनिवार की सुबह सिर्फ ANI वहां नहीं होता जहां राज्यपाल शपथ दिला रहे थे। अगर ये डीप स्टेट का पार्ट नहीं होता तो आपको औपचारिक रूप से पता होता कि अक्षय कुमार ने खुद इंटरव्यू की पेशकश की थी या उसको उसी तरह से रात में जगा के लाया गया था जैसे राज्यपाल को लाया गया था। और आपको एक बेसिक बात पता होती कि इस इंटरव्यू को किस चैनल के क्रू ने रिकॉर्ड किया, कहां पर यह एडिट हुई, कुछ पता नहीं है। और ANI के जरिए इसे जारी किया जाता है, सभी चैनलों पर इसको दिखाया जाता है क्योंकि प्रधानमंत्री का इंटरव्यू है तो वो दिखाना ही पड़ता है, दिखाने में वो बात नहीं। लेकिन यह बना कैसे, इस सवाल का आधिकारिक रूप से हम जवाब नहीं जानते। क्यों नहीं जानते? एक तो वो इंटरव्यू ही इंसल्ट था भारत की जनता पर चुनाव के बीच में। हल्के फुल्के नेताओं के इंटरव्यू होते रहते हैं, होते भी रहना चाहिए, तभी उसी में पता चलता है बहुत सारी चीजें। लेकिन बीच चुनाव में, और उसको बड़े बड़े एंकर कह रहे थे कि ये मोदी जी का मास्टर क्लास है और इनको विपक्ष को क्लास लेना चाहिए, सिखाना चाहिए। जिस एंकर को ये पूछना चाहिए कि इंटरव्यू कहां से आ गया, इसका कॉस्ट क्या है, इसकी लागत क्या है, कौन लोग थे, तो इसीलिए अब ये मीडिया जो है वो डीप स्टेट का मीडिया है। और आप जानते हैं कि जो लोग डीप स्टेट के पार्ट होते हैं वो क्या काम करते हैं। नजीब की के बारे में तो कोई खबर नहीं है अभी, आपकी यूनिवर्सिटी से नहीं है ना, आप ही की यूनिवर्सिटी से एक लड़का गायब हुआ और आज तक पता नहीं चला। अगर यही कोई दूसरी बात होती तो ये मीडिया रोज हल्ला कर रहा होता, लेकिन नहीं करता है। तो इसलिए आप इन सब चीजों को समझिए, नए तरीके से इस मीडिया को देखिए। जो आप पहले इस तरह से देखते आए हैं वो एक तरीका अब नहीं है, और आप जिस तरह से जोकर बनाया जा रहा है मीडिया को और इस तरह की जो बातें कही जा रही हैं, व्हाट्सएप के जरिए क्या होता है कि पहले बैकग्राउंड बनाया जाता है नेहरू जी के बारे में, मेरे बारे में, और भी विपक्ष के नेताओं के बारे में, और फिर वही सवाल भी उसी तरह से चलते हैं, बाद में एंकर पूछता है। इसी फीस वाली घटना में मैं बता दूं कि एंकरों के ये सवाल थे कि 35-35 साल उम्र हो गई, ये अभी तक रिसर्च ही कर रहे हैं। ये सवाल का बैकग्राउंड व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का बनाया हुआ सवाल था और वो प्ली ले रहे थे कि जनता पूछ रही। नकारे लोगों की इस देश में क्या बोला जाए, मतलब वो लाइन में क्रॉस नहीं करना चाहता। लेकिन इस तरह का ये पूरा प्रोवाइड किया जाता है इकोसिस्टम कि पब्लिक पूछ रही है कि 35 साल उम्र हो गई ये रिसर्च कर रहे हैं, फिर 97 साल को नोबेल मिला तो क्यों ताली बजा रहे थे, नहीं बजाना चाहिए थी ताली भाई। रिसर्च तो पूरी जिंदगी होती है, इसका उम्र से क्या लेना देना है। और अगर आप पूरी जिंदगी रिसर्च नहीं करेंगे विश्व गुरु कैसे बनाएंगे। क्लास में गुरु नहीं है, बनने चले विश्व गुरु। मास्टर नहीं है कॉलेजों में, स्कूलों में, दिल्ली में भी देखिए 5,000 है डॉग टीचर का की सैलरी रोक दी गई है, नहीं दिया जा रहा है। दिल्ली विश्वविद्यालय का यह हाल है। तो मैं अब खत्म करता हूं। तो एक तरह से इसी तरह से ये जो मीडिया है वो अन्यकरण की तरफ आपको ले जा रहा है। पहले उसने आपको याद ही होगा कि 6 दिसंबर को जो मणिशंकर अय्यर के घर बैठक हुई थी उसको लेकर कितनी तरह की झूठ बोली गई थी, लेकिन बाद में
जो चुनाव की रैलियों में बोला गया था उसको चुपके से राज्यसभा में माफ़ी भी मांगी थी सरकार ने। लेकिन अब आप देखिए, आपका एक किसी पाकिस्तान के साथ फोटो खींच जाए तुरंत कहेगा कि JNU वाला एंटी नेशनल हो गया। लेकिन ये सब एंकर जो है सो कॉल्ड नेशनल रोज पाकिस्तान के किसी आदमी को बिठा के डिबेट कर रहा होता है। ये इनका देश प्रेम है। भारत में प्याज 100 रुपया किलो हो गया चिंता नहीं, पाकिस्तान में 100 रुपया किलो टमाटर मिल रहा है उसकी चिंता है। तो खोल लो अपना ब्यूरो वहीं जाकर। अगर आपको गुवाहाटी में ब्यूरो नहीं है, भुवनेश्वर में ब्यूरो नहीं है, तो इस्लामाबाद में खोल लीजिए आप। यही हुआ। देखिए क्या हो रहा था कि मीडिया जो था उसके दो तरह से इसके स्ट्रक्चर को आप समझिए कि ये खुद भी डेमोक्रेटिक नहीं है, खुद भी रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। इसमें आदिवासी नहीं है, इसमें दलित नहीं है, इसमें आप महिलाएं हैं कुछ लेकिन वो भी उस तरह से नहीं है। और जितनी भी अच्छी महिला पत्रकार हैं वो सब अपने फ्रीलांस के तौर पर आप देखिए इस समय वो संघर्ष कर रही हैं, जूझ रही हैं वो सब। तो ये पूरा पेट्रियार्की का मीडिया, ये डेमोक्रेसी का काम कर ही नहीं सकता है, इसके समझ के बाहर की बात है। इसकी सोशल ट्रेनिंग जो है वो एंटी डेमोक्रेटिक है, जो लोगों का वहां जमावड़ा होता है। अपवाद में जाइएगा तो सब अच्छा लगने लगेगा, लेकिन आप इसके प्रॉपर बिहेवियर के पैटर्न को देखिए तो खेल समझ में आता है इसका। और उसमें भी क्या हुआ कि जो देश भर से ब्यूरो बंद करके जो सारे रिपोर्टर पॉलिटिकल पार्टी के बीट पे लगा दिए गए। याद कीजिए 2014 के बाद से बीजेपी बीट से कोई बड़ी स्टोरी देखी है आपने? नहीं। महासचिव बदलने के अलावा इलेक्टोरल बॉन्ड पे जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे पीयूष गोयल आधे अधूरे जवाब दे रहे थे तो किसी ने काउंटर ढंग से सवाल भी नहीं पूछा जो सवाल रिपोर्टर उठा रहा था। तो सारी बड़ी स्टोरी जो है वो मेन स्ट्रीम मीडिया के दायरे में अब नहीं आ रही है, वो कहीं कहीं से इधर से उधर से वायर से तो स्क्रोल से तो हफिंगटन पोस्ट नितिन सेठी के जरिए आ रही है। लेकिन जिसके पास रिपोर्टर की फौज है वहां रिपोर्टिंग बंद है। और आप अभी भी उस पर अपना समय दे रहे हैं, अपना पैसा दे रहे हैं। तभी मैंने कहा कि एक बार सोच लीजिए, अगर सूचना मिलती है तो देखिए, नहीं तो वही पैसा प्रधानमंत्री राहत कोष में भेज दीजिए। अब रोज रोज अखबार में और टीवी में प्रधानमंत्री को ही देखना है तो उनका एक फोटो क्यों नहीं हम घर में लगा सकते हैं? हम सबको लगाना चाहिए। और वो पैसा आप प्रधानमंत्री राहत कोष में दे दीजिए ताकि लोगों के काम आए, उसके बहुत अच्छे अच्छे इस्तेमाल हो सकते हैं। तो वो जो पूरा मीडिया ने अपना पूरा स्ट्रेंथ दिल्ली में लगाया रायसीना हिल्स पे, और अब उसी स्ट्रेंथ का कोई काम नहीं है। तो 4-5 एंकर बच गए हैं, 4-5 एंकर किसी भी तरीके से मैनुपुलेट किए जा सकते हैं, जो मैनुपुलेट नहीं किए जा सकेंगे उसको निकाल दिया जाएगा। ये सवाल मैं मोदी जी के समर्थकों से भी पूछता हूं कि कब भारत से इतनी नफरत हो गई तुम्हें कि तुमने भारत के लिए ऐसा मीडिया चाहा था? इतनी शिकायत तुम्हें क्या थी इस भारत से कि इतना गिरा हुआ इतना डरपोक मीडिया तुमने भारत के लिए कब सोचा था? तुम तो भारत को विश्वगुरु बनाने की बात सोच रहे थे, लेकिन इस तरह के मीडिया के बारे में तुमने कब सोचा? कब तुम्हें अपने लोगों से इतनी नफरत हो गई? पूछना चाहिए उन लोगों से कि बताइए इस मीडिया को आप डिफेंड कर सकते हैं क्या, जिसका एंकर तलवार लेकर अपने रिपोर्टर के साथ एक यूनिवर्सिटी को चैलेंज कर रहा। तो ये हम इस दौर में आ गए हैं। विश्वसनीयता समाप्त हो गई है लेकिन उपयोगिता बची हुई है। तभी रिपब्लिक टीवी के कार्यक्रम में गए तो उन्होंने कहा कि मीडिया सरकार के अच्छे कामों को नहीं दिखाता। अब दिन भर तो 5 साल से वही कर रहा था आपका नेशनल सिलेबस लेके। अब इनको भी शिकायत है क्योंकि इनको मालूम है कि खराब मीडिया एक दिन इनके रेपुटेशन को भी खराब खत्म कर देगा। और आप देखें कि प्रधानमंत्री की जो आलोचना हुई है उनके रेपुटेशन पे जो भी असर पड़ा, हालांकि चुनाव के रिजल्ट पर असर नहीं पड़ता है वो अलग बात है, वो इस खराब मीडिया के कारण हुई। हरकतें देखिए किस तरह से सवाल पूछे जा रहे हैं। तो वो अब समझ गए। अब जा रहे हैं तो रिपब्लिक टीवी के कार्यक्रम में कह रहे हैं कि हमारी सरकार के अच्छे कामों को आप नहीं दिखाते। किसको कह रहे थे भाई? आपकी सरकार को बचाने के लिए तो 2000 रुपए के नोट में लोग GPS सिस्टम दिखा रहे थे। अब भी आप कह रहे हैं कि आपकी सरकार के अच्छे कामों को नहीं दिखाया जा रहा, तो ये विचित्र बात। तो इसलिए इन सब चीजों से आप नए तरीके से मीडिया के बारे में सोचिए। एक ही अच्छी बात है कि लोकतंत्र की जो सक्रियता होती है वो सिर्फ मीडिया आधारित नहीं होती है। ये भ्रम हो जाता है कई बार मीडिया को कि वो लोकतंत्र का टॉर्च बेयरर है, लेकिन लोकतंत्र का टॉर्च बेयरर कोई और होता है। सुनील जी जैसे लोग होते हैं, आप जैसे लोग होते हैं,
और ये तारीफ की बात है कि इतने हमले के बावजूद आप लोग उठ खड़े होते हैं, कमाल। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।